अगर आप अपने घर आंगन किचन बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर तो एक बार जरूर आएं। आज ही शहर में पहली बार हैजा सीमेंट आर्टिकल लेकर आया है इंटरलॉकिंग टाइल प्रकाश बाउंड्री वॉल और चेकाल टाइल। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है हैजा सीमेंट आर्टिकल टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर फॉरवेज कंट्रोल रोड डोरिया सोनापुर अरलिया। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति जिला शाखा अररिया द्वारा एक दिवसीय राज्य व्यापी धरना जिला मुख्यालय पर 1500 मांग को लेकर किया गया। यह आयोजन बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन जिला अररिया द्वारा किया गया। सेविका सहायिका अपने काम को बाधित कर सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 5 दिसम्बर से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें भारी संख्या में सहायिका सेविका अररिया के बस स्टैंड पर चक्का जाम किया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं की अररिया प्रधान समू नासरी ने कहा कि जहां एक तरफ सरकार नारी सम्मान की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वही हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करती है, अब सहन शक्ति जवाब दे रही है, इसलिए ये जन सैलाब उतरा है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है। हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए मैं कम बोलूंगी। सेविका को कहा जाता है कि 4 घंटे काम, कहां से 4 घंटा, ये क्या तू मोबाइल कुंजी, ये क्या तो किशोरी को जागरूक करना है, उसे टेबलेट के बारे में बताना है, इस सुई के बारे में नए प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण, काम पर काम, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो सेविका से वंचित है। कोई काम कोई नहीं जदि करता है तो सेविका को ले आ, क्योंकि फ्री की नौकर है, फ्री का नौकरी है, उसको बैठी रहे वेतन दे रही है। मोटा मोटा सरकार जो नया नोट चलाई है वो गड्डी दे रही है सेविका को, इसलिए पकड़ लाओ सेविका को और कोल्हू के बैल के तरह खिंचवा कर उससे काम लो। अब हम लोगों का भी आक्रोश अब से अति हो गया है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब जैसे सरकार को सम्मानित होकर अपने किसी आशा से उनको गति पर बिठाए थे, आज वो हमारा आशा पूरा नहीं हुआ। हमें उचित काम के बदले उचित दाम चाहिए। हमने कोई बात भी नहीं किया है सरकार को, हमारा मांग जायज है, क्योंकि हम काम करना जानते हैं तो वेतन मान भी करेंगे। नारी शक्ति, नारी शक्ति, सभी का सरकार से भीख मांग रहे हैं और नमक दुर्बाना कर रहे हैं। हम लोग अपने अधिकार मांग रहे हैं, मजदूरी मांग रहे हैं। क्यों भूखे पेट कब तक हम लोग अपने देश के भविष्य को बनाएंगे? शिक्षक लोग हड़ताल पर जाते हैं तो तुरंत उनकी मांग स्वीकार कर लेते हैं। क्या शिक्षक लोग हमसे बहनों कम काम करते हैं? शिक्षक
लोग तो स्कूल में शिक्षा देते हैं, पर मैं पूछती हूँ स्कूल तो जमाने के लिए बच्चे को कौन इतना बड़े बनाते हैं। सचिव ललिता भगत, जो हम लोग अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर 5 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे तालाबंद, केंद्र पे तालाबंद करके, और हम लोग धरना प्रदर्शन पे जगह जगह हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार कोई भी बात नहीं रख रही है और ना ही कोई बात सुन रही है। मैं अंजुला देवी प्रखंड से, और हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है, सरकार से मांगे है कि 15 सूत्री मांगों को पूरी करे। जब तक हमारी सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी तब तक हम लोग अपनी जीत पर अड़े रहेंगे। हमारी बातें आज सरकार सुन ले, कल से हम लोग अपने अपने कार्य में लगे रहेंगे। और चलिए सरकार से मांग रहे हैं, सरकार से, सरकार का कहना है महिला का जो है कि शोषण करना बंद करो, महिला का शोषण बंद करो। सरकार जो है सीएम पीएम जो भी है, बिहार सरकार हो केंद्र सरकार हो, एक महिला के गर्भ से काम कर रही है और उसी महिला का जो है शोषण कर रहा है। कहते हैं महिला के जो सुशासन सुशासन, बिहार के कहाँ गए सुशासन? बड़गामा भवन के अध्यक्ष मंजू देवी हैं, हम लोग आज 6 माह से सरकार को आंदोलन के प्रति घोषित करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वार पे जू तक नहीं दे रही है, जो हम लोगों के बात पर ध्यान नहीं दे रही है। हर काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार जो हम लोग के विषय में नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग 6 माह से चेतावनी देते देते अब उग्र आंदोलन पर उतर आए हैं। आज हमारे अररिया में जिला में चक्का जाम किए हैं, 9 तारीख को प्रखंड स्तर पर चक्का जाम करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती उग्र आंदोलन चालू रहेगा। पिछले कई एक वर्षों से जब से आंगनबाड़ी और मध्याह्न मील सेवाएं शुरू हुई हैं, तब से महिलाओं को उसमें बहाल करके सरकार उनको बिल्कुल नेगलेक्ट करती रही है जी सर, और उसके लिए कई एक बार हड़तालें हुई, रोड जाम हुआ, डंटे पड़े उन पर, अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ जी। उनको अभी तक सरकारी कर्मी माना नहीं गया है, इसीलिए उनकी तनख्वाह 2000 से लेकर 5000 तक में झूल रही है जी सर। इनों का डिमांड पहले से किए गए हैं, उसको मानते हुए सरकारी कर्मी इनको बहाल करे सरकार, यही मांग। धन्यवाद। पूरे हिंदुस्तान में आज 2 दिनों की हड़ताल है इनकी समस्या लेकर, और तमाम जितने भी मजदूर यूनियन है, खाली बीजेपी का मजदूर यूनियन नहीं है साथ में, BMS नहीं है, ये तो बाकी सारे यूनियंस कम्युनिस्ट पार्टी के यूनियंस इसके साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रदर्शन किया, चक्का जाम रखा, इससे संबंधित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के माध्यम से सरकार तक भेजी जाए। जी जी चलिए, थैंक यू। अररिया जिला की ओर से हम लोग आज पूरे राज्य को बाधित किए हुए हैं, हमारा आपसे जिला प्रशासन से आग्रह है कि वो हमारी मांग को गंभीरता से लेते हुए सहानुभूति पूर्वक ऊपर जल्द से जल्द भेजे का कष्ट करें। Thank you.
आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जिसका पता है ईटबी चौक हर शहर अररिया में। या दोस्तों, अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जीवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाएं बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। नया लुक, हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइम्स, रामपुर कोदरकट्टी अररिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर NH 57 से पूर्व। एक बार जरूर आएं, हम देते हैं आपको आपके सपनों का घर।